अच्छा, हम हमेशा जो है ना वो महंगी शॉपिंग दिखाते रहते हैं, भले सस्ती भी करके दिखा आए, लेकिन हम लोगों को दिखाते हैं अपनी महंगी शॉपिंग। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सस्ती तरीन शॉपिंग शेयर करूंगी, लेकिन क्वालिटी वाइज जो है ना बहुत बेस्ट होगी। और अभी जो है ना वो मैंने शावर वावर लिया और फ्रेश हुई, लेकिन ना इस टाइम मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैंने जो है ना वो आज जाना है अपने फेवरेट बुध बाज़ार, और बहुत महीनों बाद, आप यकीन जाने कोई 5, 6, 7 महीनों बाद, क्योंकि मैं ना ऐसे जो बाज़ार लगते हैं ना मैं इनमें नहीं जाती, क्योंकि एक तो रश होता है। हाँ, मुझे डिफेंस वाला संडे बाज़ार पसंद है, उसको भी गए हुए आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि 3, 4 महीने तो आराम से हो गए। और आज जो मैं बुध बाज़ार जा रही हूँ ना, उसमें तो मुझे लगता है कुछ 6, 7 महीने हो गए, मुझे याद ही नहीं कि लास्ट टाइम मैं कब गई थी। लेकिन वो इतना बड़ा बाज़ार है, इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं उसमें, क्योंकि वो हमारे पहले हमारा जहाँ घर होता था ना, वो बिल्कुल पैदल चली जाती थी मैं वो, लेकिन वहाँ वो इतना बड़ा है कि बंदा उसको ना पूरा फिर नहीं सकता है। जैसे डिफेंस कराची का संडे बाज़ार है ना, उसी का वो जो है ना भाई है। तो रुस्तम आते आते, खैर से रुस्तम असर की नमाज़ का टाइम जाने ही वाला था, जब पहुँचे जल्दी जल्दी इन्होंने असर की नमाज़ पढ़ी, और हम लोग ये देखें जब पहुँचे तो अंधेरा हो गया था, मगरिब हो गई थी, मतलब जैसे ही हम बाज़ार में पहुँचे ना तो मगरिब हो रही थी। लेकिन मुझे ना बहुत अहम चीज़ें लेनी थी जो कि मिलती ही इस बाज़ार से हैं। जैसे मैं जो लेने गई थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये इतना बड़ा है और इसमें जो है ना वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो आपको पूरा कराची घूम के, या आप कहीं आप महंगे मॉल्स में जाके लाखों में ख़रीदते हैं ना, तो यहाँ पे आपको चंद 100 में या 1000 में मिल जाती है। लाइक कर्टन हो गए, लाइक फुट मैट हो गए, लाइक जो बड़े बड़े आपके कालीन के पीसेज होते हैं जो आप टेबल्स वगैरह के नीचे रखते हैं, वो हो गए। ये नहीं कि सब पुरानी चीज़ें, जैसे ये ब्लू कलर का फुट मैट था, तो ये जो है ना सिर्फ जो था 500 का, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बिल्कुल लाइक अ न्यू था। और जो मैं न्यू लेके आती हूँ ना, वो ख़राब हो जाते हैं, और ये मैं जब भी लेके आती हूँ इतने मशीन में डाल दो, साफ़ कर लो, लेकिन ये ना ख़राब नहीं होते हैं। तो जो मैं लेने गई थी यहाँ पे, ये देखें, ये जो है ना ये पीसेज होते हैं, मतलब ये यूज़ में नहीं होते, नए होते हैं। इतना अच्छा फैब्रिक होता है कि ये ना बाहर के मुल्कों से आता है सबका सब, मतलब इनको आप जो है ना किसी भी तरह से, ये अभीहा कैमरा अभीहा ने इतना हिलाया यहाँ पे, लेकिन जो है ना आप इसको किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना जो चाहिए था वो एक्चुअली मैं ना स्टोरेज के लिए लेने गई थी, लेकिन वो ना मुझे नज़र नहीं आया क्योंकि रात हो चुकी थी। लेकिन फिर मैंने जो लिया ना वो भी मुझे बहुत अमेजिंग लगा। तो आप इन जूतों को देखें, ये ब्लैक वाला बिल्कुल न्यू है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ में नहीं होती लेकिन आ जाती हैं, और ये इतने रीज़नेबल प्राइस थे इनके। और ये वाले जो बर्तन, ये इसमें कुछ बिल्कुल न्यू होते हैं और कुछ ज़रा से जो है ना यूज़ में होते हैं, लेकिन ये ना आपको हज़ारों में मिलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाखों में बाहर से मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी जो है ना वो न्यू और यूज़ मिक्स होते हैं, तो आपको ढूंढ के ही, जैसे ये देखें इनके अभी कवर भी हैं और नॉन स्टिकी, कुछ के जो है ना वो कवर के साथ आपको नई चीज़ें मिलती हैं, और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें होती हैं। अभी कहीं जाने के यहाँ पे जो है ना सारी बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं। और ये ज्वेलरी को चेक करें, ये जो मैं मार्केट में जाती हूँ ना, इतने अच्छे भी नहीं होते और वो अच्छे खासे महंगे होते हैं, और ये 200-250 लाइक इस दिस, और ये बच्चों के तो 100-100 की, और मतलब ये न्यू होती हैं सारी चीज़ें ये, लेकिन ये होती भी क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी होती है, ये बाहर से आती हैं, ये जो पठानों के पास होती हैं, जो दूसरे एक मार्केट बाज़ार में इसी में लेके खड़े होते हैं ना जो यहाँ की लोकल, वो नहीं। और ये ज्वेलरी चेक करें, ये भी पठानों के पास होती है, ये भी बाहर की होती है, ये मार्केट में जब लेने जाओ ना अच्छे मॉल्स में भी ये होती है, मतलब ये आपको आम मार्केट में नहीं मिलेगी, अच्छे मॉल्स में मिलेगी, और इतनी महंगी मिलती है, और यहाँ से जो है ना इतने रीज़नेबल प्राइस की ज्वेलरी मिल जाती है। इनकी आप क्वालिटी चेक करें, जो आपको इंस्टा पे नज़र आती होती है ना सब चीज़ें, वो आपको इनके पास बुध बाज़ार में हमारे यहाँ पे, या संडे बाज़ार जो डिफेंस का ना, वहाँ से मिलेंगी। और मैं जो है ना वो जैसे आपको बताती हूँ कि मैं ना अगर कभी जाऊँ ना, तो मुझे मैं इसमें बुध बाज़ार में कभी चली जाती हूँ या फिर संडे बाज़ार में, तो ज्वेलरी ये वो हर चीज़ जो है ना इतनी परफेक्ट मिलती है, इसको देख के आपका दिल नहीं भरता, दिल करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, और ये भी ले लें। और ये आम मार्केट के सेट तो होते नहीं हैं, उनकी ना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जैसे कि इनकी होती है, और ये इतने सस्ते हैं, 1500, 2000, 1000 और उससे भी कम के, ये सेट की बात कर रही हूँ, जो सिंगल सिंगल ज्वेलरी होती है ना वो आपको तो चंद 100 की यहाँ से मिल जाती है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनकी होती है। और फिर जो मैं लेने गई थी ना, मैं स्टोरेज के लिए लेने गई थी, तो वो मुझे मिला नहीं, फिर मैंने क्या किया, मैंने और बहुत सारी जो है ना वो छोटी छोटी शॉपिंग कर ली, और बहुत ही जो है ना अच्छी मैंने वो शॉपिंग की। और ये देखें, ये ज्वेलरी को ज़रा चेक करें, ये अभीहा ने जो है ना
इसकी ये वाला स्टोरेज के लिए मैं ना इस टाइप के लेने गई थी। ये मुझे ना एक ही नज़र आया, लेकिन जो है ना फिर मैंने जो है ना वो जिस टाइप के मुझे चाहिए थे वो और नहीं थे, बस पूरा बाज़ार घूम के मुझे एक ही ये नज़र आया। अच्छा फिर यहाँ पे जो है ना डिक्योर की फिर से देखें, इतने अच्छे अच्छे ये सब पड़े होते हैं और इतने रीज़नेबल प्राइस के, 700-800 के बड़े वाले, और छोटे वाले तो सस्ते भी मिल जाते हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े, ये 700-800 बस, मतलब इतने अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें। और ये अभी हम लोग ना रात को गए थे, और ये अभी हम मेरे साथ चलते चलते जो है ना वो शॉपिंग कर रही थी। अच्छा मैं जो है ना यहाँ पे जो कपड़ा भी आता है ना, जो होता है जिसे आप कुछ भी स्टिच करवा सकते हैं, वो भी जो है ना इतने चीप प्राइस पे मिल जाता है। इतनी जो है ना यहाँ पे ना असल में रश बहुत होता है, बट वो जैसे मैं मगरब के बाद हम लोग पहुँचे थे तो रश इतना था नहीं। अच्छा फिर ये टेबल के नीचे वाला मैट जो है ना, ये मैंने ले लिया। इसकी क्वालिटी व्यूवर्स इतनी अच्छी, इतना अच्छा, बिल्कुल न्यू है, इसमें ज़रा सा भी यूज़ किया हुआ लग ही नहीं रहा इसका। और ये जस्ट मुझे 800 का मिला, सोचें आप, ये वरना ये बाहर से आपको 5-6-10 हज़ार तक का मिलना था, और ये मुझे 800 का मिला बिल्कुल न्यू। कल आप लुक देखें, इसने ना मेरे जो है वो सिटिंग एरिया, जो मेरा ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम जो है ना, उसकी शान बढ़ा दी है। ये देखें कितना अच्छा अमेजिंग लग रहा है, टेबल से ये जितना टेबल है उसके बिल्कुल नीचे नीचे जो है ना वो है। तो ये देखें, ये मैंने एक रात को लिया, और मैंने और भी जो है ना बहुत कुछ लिया, वो मैं आपको ना अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने और क्या क्या लिया। तो इससे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।